हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मेघालय सीरीज। ये कोलकाता का टाइम मैप पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। कैसा लग रहा है आपको? क्या होगा हमारे आगे? कॉल तो नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात भर मस्त बारिश चल रहा था और ये आज अलग टेंट में रुके थे हम, ये टेंट में पानी भी आया है, पूरा गीला हुआ है। बट ये देखो क्या लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग। रुको मैं दिखाता हूँ आपको हम कहाँ पे रुके। ये बैक साइड में पूरा है ना गीला हो चुका है और इधर जो है आप देख रहे होंगे वहाँ पे है डबल डेकर ब्रिज। ये जो पेड़ है ये डबल डेकर ब्रिज का पेड़ है और यहाँ पे जो आवाज़ आ रहा है तो ये आवाज़ जो है वो डबल डेकर के ब्रिज के सामने जो पानी आ रहा है वहाँ का है। और साइड का व्यू देखिए, इस साइड में पूरा ये जो पहाड़ है पेड़ है उसके ऊपर, इस साइड में भी काफ़ी सारा लंबा पेड़ है। सो बाय द वे अपोजिट साइड में जो है हमने जो किया था परसों वेसोंग वाटरफॉल्स वो है। अभी जो है ना पीछे एक जगह पे रेनबो दिख रहा है मॉर्निंग में, देखिए मैं दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल इज़न्ट इट। ऐसे रेनबो हमें देखने के लिए मोस्टली बारिश में कभी कभी मिलता था बचपन में, अभी तो आजकल कभी दिखता ही नहीं है। सो अभी और हम जाएंगे रेनबो वाटरफॉल्स को, वहाँ पे शायद हमें और अच्छे से सर्कल वाला रेनबो देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स गो। कल रात में यहाँ पे रुके थे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बिफोर लिविंग टू द रेनबो फॉल्स विल जस्ट टेक फ्यू शॉट्स ऑफ डबल डेकर ब्रिज एंड देन विल लीव। ओके द लेस रश हियर। So this is first bridge and there is another bridge forming here in the second bridge. यहाँ पे ये कुछ फ्रेंड्स लोग साउथ इंडिया से थे, उनका एक ग्रुप आया था यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं रेनबो वाटरफॉल के लिए फाइनली, सो लेट्स गो। फाइनली मैं यहाँ पे कुछ देर शूट करके यहाँ से डबल डेकर से मैं निकला रेनबो वाटरफॉल के लिए। रेनबो वाटरफॉल को जाने के लिए लगभग 1 आवर समय लगता है फ्रॉम लिविंग रूट। ऐसे कुछ जगह पे स्टेयर्स है, कुछ जगह पे नॉर्मल रास्ता है और बारिश अगर रहता है तो थोड़ा स्लिपरी रहता है। ये जो है इसके अंदर जो मधुमक्खी का हनी बनाते हैं वो सिस्टम है, शायद ये गांव वाले लोगों ने बनाया है। दिस इज आवर फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज। व्यू देखो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। क्या नज़ारा लग रहा था ये, अगर पानी थोड़ा कम होता तो उसमें जाके मस्त नहा लेते यहाँ पे। क्या मस्त लग रहा है यार ये। और भाई कैसा है व्यू? बहुत बढ़िया। मैंने मॉर्निंग में बोला था कि रेनबो वाटरफॉल नहीं चलेगा बट बाद में जो है नेचर का एनर्जी ने उसको तैयार कर दिया।
क्या देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी चेयर फूली जाना पड़ेगा। और ये जो है ये और एक लिविंग ब्रिज है रेनबो वाटरफॉल को जाते समय। सो जैसे डबल डेकर रूट है वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे और भी ऐसे लिविंग रूट है। बाय द वे अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जो लिविंग ब्रिज है जो कि रूट से बने हुए हैं, ये रबर के जो झाड़ है उनसे बनते हैं। सो लेट्स गो। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल है। सो द लॉजिक बिहाइंड दिस लिविंग ब्रिज इज ओल्डर इट गेट मोर स्ट्रॉन्गर इट गेट मोर स्ट्रॉन्गर इट बिकेम। ऐसे बनता है, यहाँ पे साइड में पेड़ रहता है और इधर ऐसे रूट बनते हैं। प्यारा लग रहा था ये व्यू देखो। सो ये बोर्ड है यहाँ पे, साइन बोर्ड, और यहाँ पे दो रास्ते हैं, कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखो और एक बोर्ड पे लिखा हुआ है रेनबो वाटरफॉल, दिस इज द वे। अगर बारिश का समय नहीं रहता है तो आप नौकाली का वाटरफॉल को भी इसी जंगल से जा सकते हो। इनिशियल पैच में रेनबो वाटरफॉल के लिए रास्ता आसान है। बिफोर रेनबो वाटरफॉल यू सी दिस प्लेस, इट्स अ स्मॉल पॉन्ड देयर, यू कैन गो इनसाइड एंड बाथ। इट्स वेरी आइसोलेटेड एंड यू विल गेट फूड, फिश मसाज एंड ऑल देयर। कितना स्टीप है यहाँ पे, पूरा स्टीप है, चलते जाओ, लंबे स्टीप स्टेप है। धोले और यहाँ पे जो है पानी ये जो आ रहा है ये पूरा यहाँ के अंदर से आ रहा है झरने जैसे। नो फॉल्स हियर एंड देयर, इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड द लैंड। बड़ा सा लैंड स्लाइडिंग दिखाई दे रहा है, ह्यूज। एंड हियर इज आवर वे। और भैया जी कैसे लग रहा है? चलो चलो चलो, यू कैन डू इट। रिस्की पैच है इसीलिए जो विलेजर्स है इन्होंने पूरा यहाँ पे साइड में ऐसे बाम्बू लगाया है। चलते रहना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अरे उठो, शाबाश। वी हैव मेड इट। अभी जो ये लास्ट पैच है जिगेंटिक वाटरफॉल, ह्यूज। And when sun come, it will rain from the rain like this. So we will wait till the sun comes. Badal bhi hai upar. धूप ऐसे धीरे 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 से इधर आ रहा है, तो जब यहाँ पे आएगा तो हमें रेनबो दिखेगा। सो अभी रेनबो आने तक हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है इधर, वहाँ पे मैगी बनाने के लिए बोला है। बहुत भूख लगी थी, सो देखो यहाँ पे मस्त एकदम फॉर्म हुआ है ये रेनबो वाटरफॉल। कुछ ड्रोन शॉट लिया मैंने। रेनबो वाटरफॉल इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से। मैंने यहाँ पे लिटरली 7:30-8:30 को आया था, बट लगभग 2-3 घंटे तक हम यहाँ पे सन रेज का वेट करते हुए बैठे और फाइनली हमने यहाँ पे रेनबो देखा। मैं 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यूस वहाँ पे मेडिटेशन करते बैठा था वाटरफॉल का आवाज़ सुनते हुए। और मॉर्निंग में रश कम रहता है तो पूरा शांति था और मस्त लग रहा था एकदम।
11 o'clock, काफ़ी देर से 7:30 से हम यहाँ पे बैठे थे और काफ़ी देर तक यहाँ पे एंजॉय किया व्यूज़ का, थोड़ी देर मेडिटेशन किया और अभी जा रहे हैं रिटर्न। प्रफुल्ल आगे गया है और मैं जाऊँगा अभी फास्ट। सो दिस इज़ प्लेस, इट इज़ वेरी आइसोलेटेड, यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं और यहाँ पे आप अंदर जाके जो है, यहाँ पे अगर आपको पानी में जाना है तो डबल डेकर में जो है वहाँ पे काफ़ी रश रहता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी फिश है और थोड़ी देर आप बैठोगे तो यू विल गेट फ्री फिश मसाज और काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। ब्रिज के आगे आ गया हूँ भाई, अभी 5 मिनट में पहुँचाऊँगा। वो छोटू सा जो वाटरफॉल है ना, वो है रेनबो वाटरफॉल, देख रहे हो? ये वीडियो में तो देखा ही होगा आपने। चलते हैं। झूठ बोल रहा है लगता है आपको, मैं झूठ बोलता हूँ? क्या बोलते हो कमेंट में बताओ। कैमरा में जो है बैटरी बहुत कम बचा है और हम प्रफुल्ल के कहने से जा रहे हैं जंगल से, एकदम जो रास्ता पता नहीं उस रास्ते से, क्योंकि भाई को कर लेना है जंगल सफारी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आ रहा हूँ डबल डेकर रूट से। कल जो है हम एक गलत रास्ते से गए थे, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसी जगह आता है जहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, तो ये जो रास्ता है राइट वाला, दिस इज़ रॉन्ग, आपको जाना है लेफ्ट से। तो ये जो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आपको सीधा जाओगे तो आप डबल डेकर पहुँच जाओगे। सो नो राइट, शायद हाफ रास्ते तक आए भाई, बैठे इधर काठी लेके। अब डंडा तो छोड़ेंगे नहीं भाई जब तक वापस नहीं जाएंगे, क्या बोलते सर? एक ही सहारा है भाई का। मेघालय में जब इनिशियली आया था तो ये काफ़ी सारे बड़े लेमन देख के अभी मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो स्टेयर्स तक आ गए इधर, स्टेयर्स से पूरे चढ़ के ऊपर जाना था। ये आगे देखो, ये स्टेयर्स है अभी हमारे, और लेफ्ट साइड में जो है एक मस्त ऐसा पहाड़ है, जिस पहाड़ पे वो छोटा सा गांव बसा हुआ है। सो कल हमने एक जगह पे जो है, यहाँ पे हमारा एक बैग भी रखा था जो कि हमें वापस आना था, बट वहाँ पे ही काफ़ी लेट हो गया, थोड़ा रास्ता गलत हो गया था इसीलिए। सो अभी जो है हम सेकेंड डे पे रेनबो वाटरफॉल वगैरह करके रिटर्न आ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा होगा 4:30 और इस घर पे हम यहाँ पे अभी खाना खाएंगे। दिस इज़ द प्लेस, इज़ द गाय रियल टाइगर, देन ऑल द ट्रैक। लंच और डिनर एक ही हो जाएगा, काफ़ी लेट हो गया है। ये देखो आज का लंच और डिनर, गुड फूड फ्रॉम खासी विलेज, तो इस तरह कुछ सनसेट के शॉट्स लेके हम यहाँ पे रुक गए। सनसेट तो हो गया होगा अभी, हो रहा है। तो उनको पूछा कि भैया अंदर टेंट डालो क्या, तो उन्होंने अलाउ किया और फिर हमने घर के अंदर ही टेंट लगाया यहाँ पे। Applause.
में हम देखेंगे हमारा रिटर्न जर्नी टू गुवाहाटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।